सरफराज खान की तरह उनके छोटे भाई मुशीर खान ने भी अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमाल प्रदर्शन करने के बाद मुशीर खान ने रणजी ट्रॉफी में भी अपना दम दिखाया और फाइनल में उन्होंने शतक लगाकर मुंबई को 42वें बार रणजी चैंपियन बना दिया। हालांकि जब उनसे आईपीएल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिल जीतने वाली बात कही। आज के दौर में दुनिया का हर क्रिकेटर आईपीएल में खेलना चाहता है। आईपीएल में पैसा और नाम दोनों है और यही वजह है कि युवा क्रिकेटर दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खेलने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो आईपीएल 2024 में मौका नहीं मिलने से काफी खुश है। बात हो रही है मुशीर खान की, जो आईपीएल में नहीं खेलेंगे लेकिन उन्हें इसका गम भी नहीं है और उन्होंने इसे लेकर एक गजब बात भी कही। मुशीर ने कहा कि वो ऑक्शन में नहीं बिकने में खुश हैं क्योंकि उन्हें इस फॉर्मेट को समझने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। रणजी ट्रॉफी फाइनल में शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले मुशीर खान ने कहा कि वह आज नहीं तो कल आईपीएल में जरूर नाम कमाएंगे। मुशीर ने बताया कि उनके पिता और कोच नौशाद खान ने कहा है कि उनका असल मकसद टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है। जब वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो एक दिन आईपीएल में मौका मिल ही जाएगा। मुशीर खान ने रणजी ट्रॉफी में तीनों मैच नॉकआउट राउंड में ही खेले। क्वार्टर फाइनल में उनके बल्ले से दोहरा शतक निकला और फाइनल में इस खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई। आपको बता दें कि मुशीर ने रणजी में खेली 5 पारियों में 108 से ज्यादा की औसत से 433 रन ठोके। वैसे मुश्ती सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, वो एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों में इस खिलाड़ी ने 5 विकेट भी हासिल किए। साफ है इस खिलाड़ी ने ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखा तो आईपीएल में मुशीर का मौका मिल ही जाएगा। मुशीर खान ने बताया कि रणजी ट्रॉफी फाइनल से पहले उन्हें बड़े भाई सरफराज से टिप्स मिले थे। मुशीर खान ने कहा कि वो अपने भाई के समर्पण और उनकी बल्लेबाजी को देखकर उनसे काफी प्रेरणा लेते हैं। मुशीर ने यह भी बताया कि सरफराज और उनकी बल्लेबाजी का तरीका भी एक जैसा ही है। मुशीर ने यह भी कहा कि सरफराज ने उन्हें रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच से पहले कहा कि इसे एक आम मैच की तरह ही सोचो और ज्यादा दबाव मत लो। मुशीर ने यह किया और टीम को जीत दिलाई। तो आपकी इसमें क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स।